अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुस्मा जाफर और आप देख रहे हैं हुस्मा एस्थेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं होंगी, सिर्फ डिज़ाइनिंग शेयर होगी उन ड्रेसेस की जो मार्केट में थ्री पीस मिलते हैं ऑल ओवर में, यानी शलवार कमीज दुपट्टा। उनको आप किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, खासतौर पर जो बच्चियाँ शादी होने वाली है और वो अपने जो हेज़ल बरी की ड्रेसेस डिज़ाइन करना चाह रही हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। हाँ जी जी, तो मेरा जो पहला ड्रेस है ये थ्री पीस है और ये मैंने इस तरह स्टिच करवाया, दो जामावार के पैचेस लगवाए हैं। ये मैंने जामावार का अलहदा से एक कपड़ा लिया और साथ ही ये वाला भी मैंने अलहदा से जामावार का कपड़ा लिया। ये वाली इसकी जो पेटी है ना, ये मैंने अलहदा से इसके साथ अटैच करवाई है और इसके साथ बैन वाला गला बनवाया और दूसरा जामावार का कपड़ा पट्टियों के साथ बना के पट्टियाँ उसके ऊपर लगा लिया। इसको मैंने फ्रॉक स्टाइल में सिलवाया था और यहाँ पे जहाँ पे ये अटैच हो रहा है ना पेटी के साथ, नीचे वाला हिस्सा इसका, वहाँ पे मैंने एक टसल अंदर सिलाई में डलवा लिया। ये देखिए, इस तरह के टसल्स बहुत बाजार जाते हैं और ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। किसी भी तरह का आप लगवा सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो मुझे पसंद था मैंने ये लगवा लिया। इसी तरह का कम्बिनेशन में पैच मैंने ये देखे बाजुओं के आगे भी लगवा लिया। यही जामावार के तो जो दो पैच थे ये मैंने इसके साथ लगवा लिए हैं। अच्छा जी, ये जो बाजू होते हैं ना, हमेशा कोशिश किया करें जो फैंसी कपड़े होते हैं ना उनके बाजू फुल लेंथ में हो या थ्री क्वार्टर में। इसका मैंने बाजू थ्री फुल लेंथ में रखवाया था क्योंकि इसके ऊपर पहले ही इतना काम था, कोई भी किसी किस्म की ज्वेलरी पहनने की जरूरत ही नहीं थी। इसके बाजू मैंने फुल लेंथ में रखवाए। नीचे इसका चौक्स बंद चौक में है, ये फ्रॉक स्टाइल में है और नीचे भी मैंने ये देखें इसी तरह मैंने इसको फ्रॉक स्टाइल में बनवाया। नीचे भी यही घेरे पर पैच दो लगवाए हैं मैंने। बड़ा खूबसूरत और डिसेंट ये ड्रेस लगता है। बैक साइड ये देखें, इसकी बैक साइड पे भी मैंने वही जामावार का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो लगवा लिया जी। बैक साइड पे भी मैंने वही जामावार का कपड़ा लगवाया है और साथ ये बैन मैंने लगवा लिया उसके ऊपर दूसरे कलर। ये यहाँ पे सिप लगा ली, बड़ी खूबसूरत लुक आती है। उनको कोशिश किया करें जो फैंसी कपड़े होते हैं उनको खुला सिलवाया जाए, फ्री स्टाइल में सिलवा लें, अपने रेगुलर साइज से एक दो इंच आप इनको खुला सिलवाया करें क्योंकि इंसान के मोटे पतले होने का कोई पता नहीं चलता शादी के बाद, तो खासतौर पर। ये देखें जी, इसकी फुल लुक है, बड़ा खूबसूरत और एलिगेंट स्टाइल लगता है, फ्रॉक लुक में लगता है। इसके साथ आप चूड़ीदार पजामा पहने या आप इसके साथ रेगुलर ट्राउजर पहने 6 इंच के पाइंचे के साथ, तो ये बड़ा खूबसूरत लगेगा। मैं बहुत सी जगहों पे पहन चुकी हूँ जी। ये जो ड्रेस है ना, इसको मैंने गम स्टाइल में सिलाई, ये भी ऑल ओवर थ्री पीस है। आम मार्केट से जो रेगुलर ड्रेसेस मिलते हैं ये वो ड्रेस है, थ्री पीस है, सलवार कमीज और दुपट्टा है। जो शर्ट वाला हिस्सा है उसको मैंने गम स्टाइल में सिलवा लिया है, इसमें स्लिप के साथ बाजू लगेंगे और फ्रंट से ये ओपन है। इसका वी नेक है और इसके ऊपर ये मोटिव्स लगाए गए हैं, ये जो आम मोटिव मिलते हैं बाजार से। ये देखें नीचे, ये इस तरह का इनके साथ नीचे मटेरियल होता है और इसको मैंने आम सुई धागे के साथ ऊपर चिपका लिया ड्रेस को स्टिच होने के बाद। जब ये ड्रेस स्टिच होकर आया उसके बाद ये मैंने मोटिव्स सिलवा लिए, इस तरह लगा लिए। इसी तरह मुझे मार्केट से दो मोटिव्स मिले थे, मैंने ये दो मोटिव्स ले लिए। जो शॉप्स होती है ना मार्केट में ये लेस वगैरह की, जिनके ऊपर हाथों पर ये फैंसी ड्रेसेस में लगाने वाला मटेरियल और एसेसरीज होती, वहाँ से ये मुझे मिल गया, वो मैंने लेके लगाया। और ये जो इसके अंदर दरमियान में गोल गोल बटन हैं ये मैंने फ्रंट पे अटैच कर लिए, ये तीन तीन मैंने अटैच किए हैं। बाकी ये जो ना देखें फ्रंट से ये बिल्कुल ओपन है, देखिए फ्रंट से ये बिल्कुल ओपन है। इसके साथ मैंने एक स्लीव अलहदा से बनवाई है, वो ओल्ड कलर की है। जो स्लीव है इसकी उसके साथ भी मैंने अंदर पाइपिंग लगवा ली है दोनों तरफ से और इसके नीचे मैंने कुछ भी नहीं लगवाया, ये सिंपल ऐसा गाउन है। चलें जी, अब देखते हैं इसको इसकी फुल लुक के साथ, उसके बगैर। इसके साथ दो तरह की स्लीव्स हैं, मैं आपको दोनों दिखाती हूँ, दोनों पहनी जा सकती हैं। एक मैंने इसके साथ ये कंट्रास्ट में स्लीव ली है, ये देखें ये ग्रीन कलर में मैंने इसके साथ स्लीव ली है क्योंकि इसमें मैंने पाइपिंग जो है, ये देखें इसमें मैंने जो पाइपिंग है ना वो ग्रीन में करवा ली है। साथ ये ग्रीन कलर किसके साथ मैंने स्लीप लिया। ये जो कपड़ा होता है ना ये मेरा ना लीलन पे है और इसके अंदर जरी का एक धागा डाला गया है इसकी बुनती में, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको नजर आ रही है, ये देखिए ये लीलन स्टाइल में कपड़ा है। ये कोई ज्यादा अकड़ा हुआ नहीं कपड़ा, बड़ा अच्छा कपड़ा है। जो पठानों की मार्केट्स होती है ना उनके पास इस तरह के नायाब और यूनिक कपड़े बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, आप विजिट किया करें, ढूंढा करें, ढूंढने से चीजें मिल जाती है। दूसरी जो इसके साथ मैंने स्लिप लगाई वो ये है, ये जो एक मैक्सी स्टाइल में स्लिप है और फुल लेंथ में है, ये पैरों तक है। ये ना शिमर में जो कपड़ा नहीं होता इसमें हल्की सी शाइन भी है लेकिन अभी इधर नजर नहीं आ रही इस तरह। ये मैं इस ड्रेस के नीचे भी पहन सकती हूँ, किसी और ड्रेस के नीचे भी पहन सकती हूँ, इस मैक्सी के ऊपर अलहदा से मैं कुछ लगवा सकती हूँ, कोई कोटी वगैरह इस तरह मैं इसको पहन सकती हूँ। अब चले जी, दोनों को मिक्स करके देखते हैं, गाउन को दोनों स्लिप्स के साथ। ये देखें जी, ये ग्रीन स्लिप के साथ इसकी लुक आ रही है, नीचे से शिमर का जो लुक है ना वो भी उठ रही है, गोल्डन गोल्डन सी, और इसमें से जो ग्रीन हमने पाइपिंग करवाई थी उसके साथ ही ये हमारी स्लिप भी साथ मैच हो गई। यहाँ पे भी यहाँ नेक्स के नजर आ रही है, अगर आप ये डीप नेक है तो ये इसके साथ कवर हो जाएगी और ये गाउन फुल लेंथ में हो जाएगा नीचे तक। ये देखें जी, ये गाउन के साथ है, ये इसकी लुक आ रही, फ्रंट पे जो तीन बटन हैं
जो फ्रंट पे तीन बटन है उधर से भी इसकी लुक नजर आ रही है, हल्की सी नजर आ रही है। चॉक्स इसके बंद है, यहां से कुछ भी नहीं नजर आएगा। बहुत प्यारी लुक आएगी इसकी। चले अब दूसरी स्लीप के साथ मैं आपको इसका कॉम्बिनेशन दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये जी इसकी है फुल लुक दूसरी स्लीप के साथ। दूसरी स्लीप मैंने आपको बताया ना मैक्सी स्टाइल में है, तो ये फुल लेंथ में है, टखनों तक है, पैरों से थोड़ी सी ऊपर है, और ये गाउन इसके ऊपर थोड़ा सा ऊंचा है। ये भी बड़ी खूबसूरत लुक आती है, डबल शेड आ जाता है इसमें ड्रेस का। देखिये फ्रंट से भी ओपन है, चलते हुए भी ये फ्रंट से जहां से ओपन है ना, यहाँ से जब आप चल रहे होते हैं तो भी ये यहाँ से इसका कुछ हिस्सा निकलता हुआ नजर आता है। बड़ी खूबसूरत लुक आती है इसकी, बहुत स्टाइलिश और यूनिक है। कोई नहीं मानेगा कि आपने ये खुद सिलवाए हैं ड्रेसेस। यहाँ से भी इसकी लुक नजर आएगी। इसमें मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हो गए, इसमें ग्रीन का भी थोड़ा सा टच नजर आ रहा है, इसमें पिंक भी है क्योंकि इसकी कढ़ाई में थोड़ा सा इसके पिंक कलर है, और ये इसमें सिल्वर कलर भी आ रहा है, इसके ऊपर सिल्वर स्टोन्स लगे हुए हैं। और ये जो आपने मोटिव्स लिए हैं, ये इसकी वजह से तो बिल्कुल कोई मानेगा ही नहीं है कि ये ना आपने सिलवाया लेके। और ये जो मोटिव लगे हुए ना, इसकी वजह से तो कोई मानेगा ही नहीं कि आपने ये खुद सिलवाया और ये थ्री पीस ड्रेस था। अगर इसकी आपको लेंथ लंबी लग रही है, लेंथ इसकी लंबी इसलिए क्योंकि इसको ना पीछे से जोड़ डाल के, जो टेलर था ना पीछे जोड़ डाल के उसने इसकी लेंथ मुकम्मल कर, इसकी बैक साइड, और यहाँ पे देखें यहाँ पे इधर जोड़ आ रहा है। ये आपको पता है कि इसमें जोड़ आ रहा है, किसी को आप नहीं बताएंगे, कोई मानेगा ही नहीं कि इसमें जोड़ आ रहा है। अपने पैसों की बचत करें, इतने महंगे आजकल मार्केट में हर चीज महंगी है, तो कितने को इंसान सूट बनवाए। बेहतर है ना आप एक दफा इन्वेस्ट करें, अच्छी इन्वेस्टमेंट करें और बार बार उनको पहने। तो ये जो मेरा थर्ड ड्रेस है ना, ये मेरा बड़ा फेवरेट ड्रेस है। हाँ ये ड्रेस, और ये थ्री पीस ड्रेस था शलवार कमीज और दुपट्टे के साथ। इसका दुपट्टा भी बड़ा खूबसूरत है, चले मैं इसका आपको दुपट्टा भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसका दुपट्टा है, और जकार्ड स्टाइल में इसका दुपट्टा है, क्रिंकल स्टफ है, और उसके अंदर ये देखे इस तरह जकार्ड स्टाइल में ना, जो ब्रोशा स्टाइल में जरी का टच है, जो जरी का धागा है ना उसके साथ इसके ऊपर डिजाइनिंग की हुई है, और ये छोटी बूटी इस पर डाली है शर्ट के साथ की। और ये जो पीको इस पर मैंने खुद करवाई है, ये रिंग्स के साथ बना देते हैं, क्रोशिया वाली पीको जहां से आप पीको करवाते हैं ना दुपट्टों पे, उनके पास ये डिजाइन होते हैं। बाकी जो है ना लंबाई वाले कॉर्नर वहां पे सादा है, और जो नीचे लटकने वाले पल्लू है ना वहां पे ये इन्होंने रिंग्स डाल के ना पीको कर दी। मुझे बड़ी अच्छी लगी, और ये मैंने जब भी ड्रेस पहना ना मैंने तारीफ इसकी समेटी है। ये मेरा बरी में था ड्रेस, और ये मैंने सिलवाया एक दर्जी से, वो ना बुटीक वाले कपड़े बनवाते हैं तो मैंने उनसे सिलवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आप इसके ऊपर वेलवेट देख रहे हैं, ये माइक्रो वेलवेट होती है, मैंने प्लेन ली थी, और मेहरबानी उस दर्जी की, उसने खुद से ये स्टोन्स इसके ऊपर चिपका दिए ग्लू के साथ। ये जो है ना स्टिचिंग में नहीं है, सुई धागे से नहीं लगाए हुए, ये ग्लू के साथ है। अगर आपको आवाज़ें आ रही हैं तो आवाज़ों के लिए माजरत, बाहर काम हो रहा है इसलिए आवाज़ें आ रही होंगी आपको। और जो इसका मजे की बात है ना, ये देखें यहाँ पे ये भी स्लीवलेस है, और ये मेरी शर्ट इस तरह बनी हुई है कि जहाँ पे इसकी फिटिंग आती है ना वहाँ से उसने काट के वहाँ पे भी उस तरह के बॉल्स लगाए हैं। ये बड़ा खूबसूरत मेरा ड्रेस लगता है, कोई मानता ही नहीं है कि ये मैंने खुद सिलवाया, इतनी प्यारी इसकी लुक आती है, और ये बुटीक स्टाइल में लगता है। ये सारी इन्होंने इस पे दोनों साइडों पे चॉक्स के और फिटिंग वाले हिस्से पे ये वाला जी फैशन पट्टी लगा दी, और इसकी पाइपिंग बाहर से नजर आती है, और अंदर से जो हमने स्लिप पहनी होती है ना वो नजर आती है। फ्रंट पे इस पे मैंने ये माइक्रो वेलवेट लगवाई है, और ये जो है ये नेक लाइन जो मिल जाती है आपको जहां से ये मिल जाती है चीजें ड्रेसेस पे लगाने वाली, एक्सेसरीज जो होती है उनके पास, हर तरह की आपको चीजें मिल जाती है। ये देखिए मैंने इतना पहना है कि यहाँ से दो स्टोन गायब हो चुके हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि यहाँ से स्टोन गायब हो गए, यहाँ से भी एक स्टोन। मैंने बहुत ज्यादा ये ड्रेस पहना है, और मुझे बहुत अपना फेवरेट ड्रेस है, और मैंने ये फुल लेंथ में सिलवाया हुआ, कपड़ा जाया नहीं किया हुआ। ये देखे जब मैं पहनती ये नया लगता, कोई मानता ही नहीं है कि ये मैंने ड्रेस जो है ना खुद सिलवाया हुआ है। अपने कपड़े जाया मत किया करें, कपड़े बहुत कीमती होते हैं, ये एक दफा की इन्वेस्टमेंट होती है। आपने एक दफा अच्छा सिलवा लिया, आप इसको सालों पहन सकते हैं, इवन आपकी बच्चियां भी पहन सकती हैं, और ये इतना स्टाइलिश लगता है ना। ये इसकी बैक साइड है, देख रहे हैं आप, इसकी बैक साइड भी बड़ी यूनिक है। बैक साइड पे कोई नहीं, मैंने वेलवेट लगवाई, बैक साइड पे ये जो टसल्स है ना, ये डोरियां मिल जाती हैं टसल्स के साथ। जब मैंने ली थी ये मेरे हाल में 20 रुपए की मुझे मिली थी, तो आप पता नहीं कितने की होगी क्योंकि दिनों में महंगाई बढ़ती है। ये पीछे मैंने सुई धागे के साथ खुद ही अटैच कर ली थी, ये मैंने दर्जी से नहीं लगवाई थी। मुझे बड़ा पसंद है अपना ये ड्रेस, अब इसको मैं आपको स्लीप के साथ अटैच करके दिखाती हूँ। हाँ जी, तो जरा अब इसकी लुक मुलाहिजा फरमाएं। यहाँ पे मैंने वही ग्रीन स्लीप लगाई है जो मैंने एक और ड्रेस के साथ भी लगाई है,
वो भी आपने देखा। ये देखें यहाँ पे ग्रीन स्लीव मैंने क्यों लगवाई थी, क्योंकि इसके अंदर जो इसमें बूटी है ना उसमें ग्रीन कलर की कढ़ाई हुई हुई है, धागा इस्तेमाल किया है। और जो स्लीव मैंने इसके साथ लगाई है ना वो भी ग्रीन कलर में, और उसमें गोल्डन शिमर का धागा जरी यूज़ की हुई है। इसके साथ ये लुक आ रही है इसकी, चल रहा है और ये बहुत प्यारा लगता है पहने हुए। अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें, चल फिर के कपड़ा मुख्तलिफ जगह से अपने लिए ढूंढें, आपको सस्ता भी पड़ेगा और आप ऐसे यूनिक डिजाइनिंग करेंगे कि हर कोई वाह वाह करता रहेगा। जो आप ये कोरे और दुबके के काम वाले ड्रेसेस बनवाते हैं ना वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं, और एक दो दफ़ा यूज़ होने के बाद वो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, या उनका दुबके का काम खराब हो जाता है, या उनका जो कपड़ा इतना नाजुक इस्तेमाल किया होता है वो खराब हो जाता है, कहीं ना कहीं से फट जाता है। ये कपड़ा पायदार भी होता है, ये जो प्योर भी नहीं है, क्रिंकल होता है ना, जो एक तो प्योर शिफोन होता है ना, ये प्योर नहीं है, क्रिंकल शिफोन देखें, ये वाला स्टफ़ है, और ये पायदार भी है, ये हाँ अड़ता भी नहीं है। और इसकी ये धागे की जो कढ़ाई है इसमें सीक्वेंस और स्टोन्स लगाए गए हैं, ये देखें जी, इसके अंदर जो स्टोन्स यूज़ हुए हैं, सीक्वेंस यूज़ हुए हैं, ये प्रेस भी करती हूँ इनके ऊपर, रफली इनको मैं प्रेस कर लेती हूँ, घर में इनको मैंने हाथ में के साथ धोया, इनको मशीन के साथ मैं नहीं धोती, जबकि कोरे के काम वाले कपड़े आप मशीन में भी नहीं धो सकते। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा जो आप अडॉप्ट कर सकती हैं वो लड़कियां जो अपनी शादी के ड्रेसेस बनाने के सिलसिले में परेशान हैं कि डिज़ाइनिंग क्या की जाए। यकीनन कोई आइडिया उन्हें मिला होगा, और ऐसी खवातीन भी जिनके पास अपनी बड़ी और जहेज़ के कपड़े अभी तक बेकार पड़े हैं और उनको लगता है कि वो किसी काम के नहीं है, तो उनको खोल लें, निकालें अपने सूटकेसेस में से, और उन पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें और मेहनत करें, और उनको देर तक शादियों में इस्तेमाल करती रहें। याद रखें, ज़्यादा कपड़ों पर पैसे खर्च मत करें, हर दफ़ा नया जोड़ा मत खरीदें। जो आपके पास पुरानी चीज़ें पड़ी हैं ना वो बहुत कीमती है, जो कपड़ा पुराना है ना वो उस तरह का कपड़ा अब नहीं है। जो आपके सूट केसेस में कपड़े पड़े हैं ना उनको निकालें, वो खजाना दफन है, उस खजाने को निकालें, खोलें और इस्तेमाल करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डिज़ाइनिंग अच्छी लगी है, कुछ भी अच्छा लगा है, तो लाइक के बटन पे और सब्सक्राइब के बटन पे दोनों अंगूठे रख दें। वीडियो देखने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।